So yes, very very good evening everyone. Guys, today I have my AIR 31 Zoya on the dice today, guys. So सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों से मैं जोया का स्वागत करना चाहूंगी. So जोया हैज बैग्ड ऑल इंडिया 31 रैंक, ठीक है, इन द CMA इंटरमीडिएट लेवल. एंड आई एम वेरी मच प्राउड टू अनाउंस दैट जोया ने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स MEPL से ही लिए थे CMA इंटरमीडिएट के, एंड शी हैज कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. आई एम रियली वेरी मच अमेज्ड बाई द लेवल ऑफ बाई द स्कोर दैट शी हैज गॉट. और जोया, सबसे पहले हार्टिएस्ट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू डियर. सो जोया, थैंक टेल यू सो मी, मच मैम। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? हैज द थॉट संक इन कि आपका रैंक आया है? यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड. यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9, आई थिंक. प्लीज जोया, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग. आई एम फीलिंग इलेटेड मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुड नॉट रियलाइज दैट यस आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक। इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। देयर वाज अ 50-50 सिचुएशन दैट विल आई बी पास और विल इट बी ऑन द राइट वे और नॉट। Superb, superb, Zoya. I was just actually looking at your marks, and I think you have got highest in which paper, Zoya? OMSM, it OMSM. was also my favorite subject, ma'am. अच्छा, गेम की तरह हमें आपने पढ़ाया है। बिल्कुल गेम की तरह पढ़ा है, गेम की तरह मार्क्स भी ले आया है, 78, superb स्कोर. इवन लॉ में भी आपका बहुत नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम खाली जो आपको गाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज यू गाइस हु शो योर रियल प्रीशियस एफर्ट्स. इवन लॉ में भी मैं आपको देख रही हूँ, यू हैव सिक्योर्ड 70 इन लॉ. OMSM में आपका 78 आया है. देन इवन इफ आई टॉक अबाउट योर अकाउंटेंसी, उसमें भी आपका जो है मार्क्स अच्छा ही आया है, बस एग्जेम्पशन से कुछ ही मार्क्स रह गए हैं. सो ओवरऑल द रिजल्ट्स आर सुपर्ब जोया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जोया. जोया प्लीज शेयर योर स्ट्रैटेजीज. आप थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताओ टू टारगेट फॉर रैंक. क्या जोया आपने पहले से ही प्रिपेयर किया था कि आपका रैंक आएगा, और क्या आपने स्ट्रैटेजीज फॉलो किया? प्लीज गो अहेड. And from starting also, I was aiming for a rank. So I started with a proper planning. And planning is very, very important. क्योंकि हम जब तक प्लान नहीं करेंगे और जब तक हम उसे फॉलो अप नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और वेयर वी हैव टू गो। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे सिलेबस को और विथ रिविजन्स कम्प्लीट करना है। सेकेंडली, बींग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। इवन इन टफ सिचुएशंस ऑल्सो मैंने अपने आप को पुश किया। एंड एज आई स्टडीड इन अ लाइब्रेरी, घर पे तो पढ़ाई नहीं होती क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बच्चे वगैरह घर पे रहते हैं। सो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मेरे लाइब्रेरी मिस ना हो आई थिंक आप अनलेस इट इज कोलकाता से क्लोज्ड। हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप यू आर फ्रॉम कोलकाता राइट? नो मैम, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड। ओके, झारखंड से हो. अच्छा, जी मैम, तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करते थे? यस मैम, घर पे क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो देर आर इंटरप्शंस इन बिटवीन। एंड थर्ड थिंग इज वॉचिंग ऑल द बूस्टर सेशंस एंड योर लाइव सेशन, स्पेशली सुपर 50 क्वेश्चंस मैम। इवन इन लॉ मैंने एग्जाम देने के बाद ही आपको फीडबैक दिया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द सुपर 50 क्वेश्चंस। करेक्ट, मतलब और जो उसी सुपर खुशी फिफ्टी खुशी में. में उसी प्लीज गो अहेड. खुशी में मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट डे OMSM का एग्जाम के लिए मैंने 7 आवर्स के क्लास मैं 5 to 6 आवर में कंप्लीट कर ली थी 2x के स्पीड पे। जबरदस्त जबरदस्त, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू. मतलब आपने वो जो मैंने सुपर 50 OMSM का लिया था एग्जाम के पहले किया. एग्जाम के एक दिन पहले मैंने किया क्योंकि आपने उसमें सभी कुछ कवर कर लिया था लगभग, और करेक्ट, दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। वेरी गुड, सुपर्ब. यानी कि लॉ, OMSM, ये सब में आपने सुपर 50 को रेफर किया, रिविजन को रेफर किया, मैराथन्स को रेफर किया, एंड दैट वर क्वाइट हेल्पफुल, राइट? यस मैम, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने देखा है बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मैम इवन वी डोंट गेट फुल कंप्लीट डे फॉर अवर रिविजन. तो वो एक दिन आपने रिविजन में, आपने बोला आपने लेक्चर भी देख लिया मेरा 2x के स्पीड में, आई गेस आपने बोला. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? मतलब वो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल आई थिंक, क्योंकि एवरीथिंग अल्टीमेटली बोज डाउन थ्रू दैट सिंगल डे ऑफ रिविजन, एंड दैट इज वेरी लेस, यस नॉट मैम, इवन वन कंप्लीट डे. तो वॉट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर दैट सिंगल डे? हाउ यू शुड रिवाइज? बेसिकली मैंने बुक मार्क्स वगैरह के यूज किए। एंड ऑल्सो आई मेड शॉर्ट नोट्स फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक।
और फिर आपके जो सेशंस वगैरह थे वो बहुत ही कंसाइज वे में थे, तो आई फाउंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो जो भी इम्पोर्टेंट आप क्लास में बताते थे कि दिस इज इम्पोर्टेंट, मैंने उसे अच्छे से मार्क किया उसी वक्त, और उसमें मैंने बुक मार्क्स लगा दिए थे, जो कि एक दिन पहले मुझे वो सब पलटना था. करेक्ट, दैट्स इट. यानी कि एग्जाम्स में जो हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, तो मतलब दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी कि पहले ही आप क्वेश्चंस के बगल में मार्किंग करके रख दो, दैट दीज आर द सम और दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू रिवाइज द डे बिफोर एग्जाम, राइट? यस मैम, क्योंकि सारे क्वेश्चन एल डी रिवाइज आर करके करना, सेंस रखती है. यस हाँ, एग्जाम्स के एक दिन पहले सारा कुछ रिवाइज करना आई डोंट थिंक ह्यूमनली प्रैक्टिकली पॉसिबल है. सो दैट इज वाई आपने बोला मैंने बुक मार्क वगैरह शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स, फॉर योर फेलो एस्पिरेंट्स. सो जोया ऑल्सो टेल मी वन मोर थिंग, वो जो 3 घंटे का स्ट्रेस होता है, वो जो 3 घंटा हमें पेपर में अपना बेस्ट देकर आना होता है, वो 3 घंटा में स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना एसेंशियल है? क्या आपके संग हुआ कोई भी पेपर में थ्रू आउट द 8 कंटिन्यूअस पेपर कि आपको लगा ये पेपर तो भाई आज टफ आया है एंड यू वर शेकन अवे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड देन यू कंट्रोल्ड योर सेल्फ? प्लीज गो अहेड जोया. कोर्स मैम, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, ऐसा होगा ही, स्पेशली इन द फाइनेंशियल अकाउंट पेपर. पेपर में बेसिक वाले लेवल का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ गया था, जो कि मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो आई वाज टोटली शेकन. तो बस खुद को उस समय संभाल लेना है. आई वाज जस्ट लाइक कि अब मैं पेंट कर जाऊंगी, अब मुझसे नहीं होगा, बट मतलब फिर भी एग्जामिनेशन मुझे हॉल में बैठे बैठे यू आर फीलिंग दैट. आई वाज फीलिंग दैट अब गिरना है बस. तो आई ड्रैंक सम वाटर एंड देन री स्टार्टेड माई सेल्फ कि नहीं, ये पेपर तो कंप्लीट करना है. मैम ने बोला है कि प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स है, तो एक आध पेपर ऐसा होगा ही, तो इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी, सो आई हैंडल्ड इट. मतलब यू आर प्रिपेयर्ड, आप सुनते थे मतलब मैं जो बोलती थी कि मतलब एक पेपर तो गूगली यस आएगा मैम, ही आएगा. क्लास में आपने हमेशा हमें बताया है कि एक ना एक पेपर, एक दो पेपर ऐसे आएंगे कि जो हमें हिला के रख देंगे, बट उसे संभाल लेना है. क्योंकि अगर मैं बाहर रुक जाती, क्योंकि करेक्ट, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मुझे लगा कि ये तो नहीं होने वाला है, और अगर वहां रुक जाती तो उसके बाद वाले पेपर्स में मेरे मोस्टली 70+ 60+ ऐसे मार्क्स है, तो हाँ वो नहीं हो करेक्ट, पाता फिर. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. मतलब अगर आप एक पेपर में अगर आपका ऐसे खराब भी हुआ है तो आपको अपने दूसरे पेपर में बेस्ट देना चाहिए ताकि वो चीज जो है वहां से मिटिगेट हो जाए. अगर आप उसी पेपर को लेकर बैठ जाओगे तो आप बाद बाकी पेपर कैसे दोगे, इजंट इट? यस मैम, और ये पॉइंट भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने बताया था कि पेपर कभी डिस्कस नहीं करना एग्जाम से बाहर निकल के, तो ये करेक्ट, चीज मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर पेपर हम डिस्कस करने लगेंगे तो फिर एक तो इतना लिमिटेड टाइम होता है, ऊपर से और भी टाइम हमारा उस पर कम किए हो जाता है खत्म, तो फिर पढ़ने के लिए टाइम और भी कम हमें मिलता है नेक्स्ट पेपर के लिए. सो दिस इज द फैक्ट जो मैंने ध्यान में रख करके उसे नहीं किया. वेरी गुड. जोया टेल मी वन मोर थिंग कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था क्या? मतलब अक्सर आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स दे आर नॉट डूइंग एनी राइटिंग प्रैक्टिस, तो क्या राइटिंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल, बताओ मुझे. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर छूटेगा. और इन माय केस लॉ में तो हमारे क्लास में इतना लिखाया जाता है दैट करेक्ट, वी नो बेटर, दो कॉपीज भर जाती है मोटी मोटी, और करेक्ट, बाकी सारे पेपर्स हमें लिख करके ही क्लास में होते हैं. लॉ हुआ, ऑडिट हुआ, OMSM में भी आप लिखवाती हैं, और मेन कीवर्ड्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है जिससे मार्क्स ज्यादा ग्रैब हो सके. राइटिंग करेक्ट. प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यानी आपने कोई पास्ट ईयर के पेपर वगैरह लिखकर मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? पास्ट ईयर पेपर्स तो नहीं, जो इंस्टीट्यूट ने पेपर रिलीज किया था वो मैंने सॉल्व किए थे. यस एमटीपी, yes. एमटीपी, ओके. सो यार टेल मी फ्यू मोर थिंग्स कि घर पे अभी सब कैसा माहौल है, मतलब जब आपने वो देखा, मतलब आई जस्ट वांट टू यू नो गेट द एग्जैक्ट एग्जैक्ट मोमेंट कि आपने उस समय क्या फील किया, घर में आपके उस समय आसपास कौन थे, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे थे, आपके सिब्लिंग्स कैसा फील कर रहे थे, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? प्लीज आई वांट ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट यू नो प्रीशियस मोमेंट. माई मदर स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड माई फादर वॉज दैट यस ओके डन है, अब आगे का देखना है. एंड सिब्लिंग्स वे जस्ट ओ ए आई आर, सो इट्स लाइक यू दे नो वर जस्ट प्राउड अमेज्ड. फीलिंग, या ए यार यस योर चिन्स आर अप नाउ, यू नो एकदम प्राउड वाला फीलिंग होता है. वेरी गुड.
सो जोया टेल मी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. अभी आप क्या इंटर्नशिप करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, फिर उसके बाद फाइनल्स के लिए अपियर करोगे. सो व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दैट, आपने अभी क्या डिसाइड किया है? First of all, I have to find a good firm or a company where I can start my internship. And final का तो बोध ग्रुप देने का प्लान है. And I will surely take your subject, ma'am. क्योंकि आप कौन इतने कम भी में पढ़ाते हो ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि सिलेबस हो गया और एग्जैक्ट क्वेश्चंस वही आते हैं. क्लास से जो क्वेश्चन आपने क्लास में कराया था, सुपर 50 कराया था, क्वेश्चंस छपे हुए देख करके तो खुश हो गए थे हम. थैंक यू सो मैं, मच. मी एंड माय फ्रेंड आल्सो. अच्छा, योर फ्रेंड हैज आल्सो पास दिस टाइम. यस वेरी मैम. वेरी गुड. अच्छा जोया, टेल मी वन मोर थिंग. मतलब ऐसा मैंने सुना है कि काफी हद तक बच्चे बोलते हैं कि मैम, ये जो एस्पिरेंट है जिनका रैंक आता है, ये क्या ही मस्ती मजाक करते होंगे अपने लाइफ में. तो आपने वो चीज कैसे मतलब देखा? डिड यू मेड लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस कि नहीं, आपने जो है पर्सनल लाइफ को भी अपना टाइम दिया है और अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज किया है. सो टेल मी अबाउट दैट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, कि आपने पर्सनली अपने लाइफ में क्या कॉम्प्रोमाइज किया और कभी कभी आपने क्या इंजॉय किया कि नहीं किया अपने पर्सनल लाइफ में, प्लीज बताइए उसके बारे में. पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करना तो बनता ही है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा ही. मैंने सोशल मीडिया से कट आउट किया, टीवी के चैनल्स के तो नंबर भी मैं भूल गई थी आफ्टर द एंड ऑफ एग्जाम्स. एंड फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत ही बात होता था, ज्यादा नहीं. मतलब देर ऐसा वॉज कब ओनली तक वन फ्रेंड किया? जो, हाँ, जो मैं और वो साथ में हम दोनों पढ़ते थे बस. हाँ, यानी कंपनी आल्सो मैटर्स. अगर अच्छे कंपनी में रहोगे तो एक बूस्ट मिलते रहता है फ्रेंड्स से. यस तो मतलब ऐसा, तो ऐसा जब से आपने सीएमए कोर्स ज्वाइन किया तब से ही ऐसा पूरा अपना सोशल लाइफ जीरो कर दिया कि मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम्स? जब एग्जाम्स में 4 to 5 months बाकी रह गए थे तब से मैंने कंप्लीट कट आउट कर दिया था, नहीं तो थोड़ा बहुत तो चलता है उससे पहले. करेक्ट करेक्ट. एंड हाउ डिड यू मैनेज योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो अलॉन्ग विथ दिस प्रोफेशनल कोर्स साइड बाई साइड? कॉलेज लाइफ, आई डिड कॉलेज फ्रॉम लोकल, ये मैंने लोकल कॉलेज से किया है तो उसमें कोई वैसा अटेंडेंस का नहीं रहता था. आई कैन डू नॉन अटेंडिंग आल्सो. और कॉलेज हमारा बीकॉम के लिए कुछ पैसा नहीं करता है. इफ आई वुड ऑप्टेड फॉर बीबीए देन अटेंडेंस वाज कंपलसरी. वेरी गुड वेरी गुड. मतलब मैं हमेशा बच्चों को भी, इनफैक्ट अभी फेस टू फेस मेरे जो बच्चे आते हैं, मैं उन्हें यही गाइडेंस करती हूँ, आप फेस टू फेस आओ. कॉलेज गया भांड में, कॉलेज होते रहेगा. आपको अभी पूरा ध्यान कहाँ पे देना चाहिए? अपना प्रोफेशनल करियर में. ये एक बार सेट है तो बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा, राइट जोया? यस मैम, यस मैम. कॉलेज वाज द सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट फोकस वाज माय सीएमए डिग्री. करेक्ट, वेरी गुड. तो जोया, ऑन एन एवरेज आप मुझे बताओ, इन अ सिंगल डे आप कितने देर पढ़ाई करते थे लास्ट 3 months में? लास्ट 3 months इट वुड गो फ्रॉम 10 to 13 hours. वेरी गुड, 10 to 13 hours, वेरी गुड. एंड आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते थे? ऐसा मुझे लगता है ऐसा ब्रेकडाउन पॉइंट आता होगा व्हेन यू मस्ट बी फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि इट इज वेरी मोनोटोनस नाउ, एवरीडे सेम 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 सेम. सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट फीलिंग? मैं ज्यादातर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी और जब मुझे बहुत ही लो फील होता था तो आई वुड रेफर एन AIR इंटरव्यू. मैं ऑल इंडिया डांस के इंटरव्यूज देखती थी कि वो क्या करते थे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या कर रही हूँ. सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसे इट्स इम्पोर्टेंट. और बीच बीच में जब फ्लो में हम पढ़ते हैं और इट बिकम्स मोनोटोनस, तो हमें कुछ चाहिए रिफ्रेशिंग के लिए, तो क्यों ना हम उसे कुछ मोटिवेशनल चीज से करें. क्योंकि इफ वी विल पीप इनटू समवन एल्स लाइफ तो हमें लगेगा कि वाव, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ सो करेक्ट वेल, वी आर सिटिंग हियर इन लाइब्रेरी. तो वैसे अच्छा करेक्ट. भी लगे खुद को एंड रिफ्रेश भी हो जाए. सो आई वुड सजेस्ट टू वॉच समथिंग विच मोटिवेट्स यू रादर करेक्ट देन दैट विच डीमोटिवेट्स यू. करेक्ट जोया, एब्सोल्युटली करेक्ट. जोया, टेल मी अबाउट योर हॉबीज. आपका हॉबीज क्या क्या है? इंस्टाग्राम चलाना पसंद पता नहीं ऐसा क्यों हो गया नाउ अडेज, द करेंट जनरेशन स्टूडेंट्स, एवरी वन आई एम आस्किंग, दे आर सेइंग मैम इंस्टा में हम लोग रील देखते हैं. वॉट स्टफ डू यू गेट सो मच इन द रील्स ऑफ द इंस्टाग्राम? बोले मैम पता ही नहीं चलता है, 2 घंटे तक हम लोग इंस्टा का रील स्क्रॉल करते रहते हैं. क्या आपके संग भी ऐसा ही होता है जोया? ऑफ कोर्स मैम, इसलिए मैंने पहले इंस्टाग्राम डिलीट किया था एग्जाम से माई पहले. गॉड.
जबरदस्त। और बताओ जोया कि अभी क्या प्लान्स है आपका, मतलब आर यू वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर टू गेट इन अ गुड फर्म और इन अ, वेर यू आर प्लानिंग फॉर द आर्टिकलशिप, फॉर अ PSU और अ फॉर अ बिग फोर, कहाँ पे आप जाना चाहोगे? क्योंकि आपका तो रैंक आया है, एवरी वन विल बी विलिंगली यू नो एक्सेप्टिंग यू, सो वेयर आर योर प्लान्स? एक मीडियोकर फर्म में जाओगे कि बिग फोर में जाओगे कि PSU में करोगे? If I would get a chance to go into a PSU, then I would accept it. Or else, mediocre firm is also a place where we can explore many things. Or वेरी वेल mediocre सर, firm में हम हर तरह के काम को सीख सकते हैं. तो करेक्ट, my aim would be go to the mediocre firm. Or वेरी if गुड, I would get a chance, then PSU. PSU, वेरी गुड। और अभी आपको क्या है, आपको अभी काम लर्न करना है, काम सीखना है, फिर द मोमेंट यू क्लियर योर CMA फाइनल्स यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर अ PSU इन कैंपस प्लेसमेंट। मतलब कैंपस में तो बहुत सारे बड़े बड़े जो है MNCs आते हैं, कंपनीज आते हैं, PSU आते हैं, सो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू बैग इट, नेल इट। एंड इन फैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इवन फॉर एन सिंगल डिजिट रैंक फ्रॉम यू एट द CMA फाइनल लेवल जोया। I would work hard for this, ma'am. And एब्सोल्युटली, यू also, हैव टू, I would like to pay tribute to Mohit sir. उनके यस बिना ये पॉसिबल नहीं था. मुझे इस कोर्स के बारे में जीरो नॉलेज थी. सब एब्सोल्युटली, उन्होंने बताया है थ्रू यूट्यूब एंड क्लासेस के बीच में भी उन्होंने लाइफ टिप्स दी है मुझे बहुत सारी जो आई ऑल्सो फॉलो इन माई लाइफ स्टाइल. करेक्ट सर। ऑलवेज यूज टू से, मतलब इवन अभी भी जो भी है, इट इज ऑल ऑलवेज बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स दैट वी आर गोइंग सो स्मूथ, एंड आई ऑलवेज फील ही इज जस्ट यू नो विथ मी। पता है कि मतलब जब से लोग स्टूडेंट CMA कोर्स के वैल्यू के बारे में नहीं जानते थे, तब से जो है सर ने, MEPL ने, हमने जो है इस कोर्स के बारे में बच्चों को गाइडेंस दिया है, बच्चों को बोला है कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेनिंग द नॉलेज, बट ऑल्सो अगर आप रेमुनरेशन वाइज देखोगे, पहले बहुत जन इस कोर्स को अंडरमाइन करते थे, बट अभी परफॉर्मेंस और पैकेज बच्चों का बताता है वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स। अभी भी इसके प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट में वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स हैव बैक्ड द पैकेज ऑफ 22 लैक्स पर एनम एज अ फ्रेशर, सो इट्स नॉट यू नो सो ईजी। मतलब एंड द कोर्स इज ऑल्सो सो 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 मतलब एंगेजिंग, मतलब इतना अलग अलग जो है ना आपको व्यू पॉइंट्स बताता है, इतने सारे आपके डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स है, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आपका जो वैल्यू एडिशन होता है नॉलेज को लेके, दैट इज ट्रिमेंडस। Absolutely. इनफैक्ट अभी आप फाइनल्स में जाओगे तो आपको और पता चलेगा कि कितना अलग अलग जो है यहाँ पे वेरिएशन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं इवन इन द फाइनल्स लेवल। सो अगेन फ्रॉम इंटर टू फाइनल इज अ बिगर ट्रांजिशन, जैसे आपने फाउंडेशन से इंटर लेवल में देखा था जोया। सो यू हैव टू Yes, वर्क ma'am. रियली Inter was हार्ड 10 फॉर times इट, tougher than foundation. करेक्ट। तो आपको भी बहुत मेहनत करना है जोया, बिकॉज राइट नाउ आपको अपना जो है आर्टिकलशिप भी करना है और साथ साथ अपने आप को जो है पढ़ाई के लिए भी जो है प्रिपेयर करना है। सो नाउ द वॉर इज गोइंग टू गेट रियली वेरी वेरी टफ, बट आई रियली नो दैट यू आर अ वॉरियर, और आप इस बार भी जो है हमारी उम्मीदों पे खरे उतरोगे और डेफिनेटली रैंक सिक्योर करोगे। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट जोया, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, सो प्राउड ऑफ यू जोया। एंड कुछ भी क्लोजिंग टिप्स आप बताना चाहते हो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के लिए तो प्लीज गो अहेड, सो दैट वी कैन वाइंड अप दिस सेशन ऑफ इंटरव्यू टुडे। I would suggest that don't lose hope in any of the situations. हमें हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे बिकॉज लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड. एंड हमें अपने अप्स में जैसे चेरिश हम करते हैं वैसे अपने बैड टाइम्स में भी हमें अपने आप को बोलना है कि नहीं उठो खड़े हो एंड गो अहेड कीप गोइंग. वेरी ब्यूटिफुली सेड जोया। सो जोया यू आर एन एपिटोम ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज इवन वॉचिंग आउट यू, सो थैंक यू जोया फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट यू अगेन इन द फाइनल्स लेवल आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम्स। थैंक यू जोया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू जोया, थैंक यू सो मच जोया। थैंक यू सो मच मैम.